गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने दक्षिण भारत की नदियां कवर किया था, अभी इकोनॉमी भी आपको कवर करवाना है और हिस्ट्री भी कवर करवाना है। पेट के पहले पहले मैं सारा कवर करवा दूंगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। जितना जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप का कवर करवाऊंगा, बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं। डिटेल पढ़ने के लिए बाद में वीडियो बन जाएगा, अभी हमें वो पढ़ना है जिनसे हम क्वेश्चन कर लें, पेपर में क्वेश्चन ना छूटे, हमारे परसेंटेज उठ जाए, ताकि हम आने वाले पेट की परीक्षा के बाद जो पेपर होंगे उसमें हम अपना सिलेक्शन करवा सकें, मतलब उसमें फॉर्म डालने लायक बन जाए। तो परसेंटेज सुधारने के लिए हमें वही पढ़ना है जो जरूरी है, उसके बाद डिटेल में बाद में वीडियो बन जाएंगे, ठीक है। तो दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत कुछ नदियाँ रह गई थी, तो उत्तर भारत नदियाँ आज की वीडियो में कवर कर लेते हैं। और अभी आज के शाम तक ही मैं एक पहले इकोनॉमी का वीडियो बनाऊंगा, उसमें इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं और बहुत बच्चे से गलत हो रहा है, तो उसको थोड़ा सुधारेंगे। लेकिन पहले नदियां देख लेते हैं, उत्तर भारत जो नदियां रह गई हैं मोटा मोटा उनको देखते हैं, ध्यान समझिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ से ये भारत दिख रहा है आपको मैप, और एक मैप यहाँ दिख रहा है एकदम, दो बच्चे हैं, एक ये है एक ये है। तो पहले इसको समझेंगे फिर इसको समझेंगे, हम समझाने जो चल रहे हैं केवल समझिए, ध्यान से सारा अपने आप दिमाग क्लियर हो जाएगा। ये भारत का मैप दिख रहा है, इसमें ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये गंगा नदी है जो ऐसे गई है ना, ये गंगा नदी है। वास्तव में गंगा का निर्माण केवल गंगा के नाम से थोड़ी हुआ है, गंगा कई छोटी छोटी नदियों का समूह है। अगर आप पर्वत वाला वीडियो देखे होगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हिमालय है। जब कोई पर्वत कोई क्षेत्र 4400 मीटर से ऊंचाई पर जाने लगता है तो उस क्षेत्र में पानी पानी ना रह के बर्फ बनने लगता है। लगभग औसत माना गया 4400 मीटर से ऊंचा जाने के बाद पानी बर्फ बन जाता है। तो हिमालय में जो पर्वत हैं 8,000-9,000 मीटर ऊंचे हैं, इसका मतलब वहाँ तो बर्फ खूब होंगे। बर्फ खूब होंगे तो बर्फ जहाँ इकट्ठा हो जाता है उन्हें ग्लेशियर बोलते हैं, इसका मतलब उधर ग्लेशियर भी खूब होंगे। तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है, आप नाम सुने होंगे, गोमुख ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। वैसे यहाँ पर देख रहे हो ये जो काराकोरम लद्दाख जांचकर मैंने बताया था आपको, याद होगा पर्वत वाले में, तो ये काराकोरम जो पर्वत है ना, इसमें विश्व की सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की पहली ऊंची सबसे छोटी कौन सी है, केटू है, बताए थे आपको। तो इस काराकोरम में चार, वैसे ग्लेशियर बहुत है लेकिन चार बड़े ग्लेशियर है, उनके नाम है सियाचिन, वियाफो, हिस्पर, वाल्टोरा। याद रहेगा सियाचिन, वियाफो, हिस्पर, वाल्टोरा, ये यही है। इन ग्लेशियरों के नाम याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है, तो यहाँ मिल जाएंगे, ये याद रहेगा। तो वैसे इधर का तो पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो यहाँ गोमुख ग्लेशियर के पास से कुछ नदियां निकली, छोटी छोटी नदियां मिलकर बड़ी नदियों का निर्माण करते हैं, छोटी छोटी चीजें मिलकर तो बड़ी चीजें बनाती हैं ना, तो छोटी छोटी नदियां मिलकर बड़ी नदियां बनाती हैं। तो यहाँ से जो दो नदियां निकली हैं, अब यहाँ से तो आप देखो, एक नदी ये आई, एक नदी ये आई, एक नदी ये गई, एक नदी ये गई, एक नदी ये गई, एक नदी ये गई, ये जाकर ये मिली, ये नहीं समझ में आएगा आपको। इसी का जूम किए यहाँ पर, थोड़ा सा जूम किए, यहाँ देखो जूम किए, जूम समझ में आता है ना, मोबाइल चलाते हो जूम तो जानते हो कि जूम किसे कहते हैं। तो यार इधर देखो, देखो इधर दिख रहा जूम ना, ये वाली जो नदी है इसका नाम है धौली गंगा, और ये वाली जो नदी है इसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा, धौली गंगा, अलकनंदा, ये दिख रहा है, ये उत्तराखंड है, ये वाला हिस्सा पूरा उत्तराखंड है। धौली गंगा अलकनंदा दोनों आगे बढ़ती हैं और जहां मिलती हैं नदियां, जहां मिलती हैं उसे प्रयाग बोलते हैं, पवित्र स्थान, ठीक है। तो उसे वहां कौन सा प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, विष्णु जी, वैष्णव। और उसके बाद से फिर से ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है, आई आगे यहां पर, और यहाँ पर एक नदी और आकर मिल गई इससे, इस नदी का नाम था पिंडार, यहाँ लिखा है पिंडार नदी मिली कहाँ पर, कर्णप्रयाग में। हालांकि इतना अंदर से क्वेश्चन पेट में या फिर एसएससी में नहीं पूछेगा, पीसीएस में पूछा जाएगा, लेकिन बता देंगे आपको, काम दे देगा। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ती है, यहाँ से इधर आती है, नीचे आती है, अलकनंदा के नाम से आगे आएगी, और यहाँ पर एक नदी और है, उस नदी का नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी आकर मिलती है कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी जानते हो, एक हीरोइन भी है, राम तेरी गंगा मैली हो गई गाना देखे हो, मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, उसमें मंदाकिनी, अमिताभ बच्चन की नहीं है शायद, ऋषि कपूर की है, उसमें मंदाकिनी है, ठीक है, किसी की हो क्या मायने रखता है, मंदाकिनी को जानते रहेगा। दरअसल मंदाकिनी चर्चा में इसलिए आ गई, उस समय बड़ा ऐसे फिल्में बनती थी, बहुत शरीर पूरा ढका रहता था, लेकिन मंदाकिनी ने इतने बोल्ड सीन दिए इसलिए वो चर्चा में आ गई थी। इधर देखो, तो ये मंदाकिनी है, और मंदाकिनी के बाद से ये फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा के नाम से ही, और इधर आती है, और इधर देखो जब ये आगे बढ़ रही थी तो इधर से भी दो नदियां मिली, पहले एक नदी ये है, एक नदी ये, दिख रहा ना, एक नदी ऐसे आ रही, दिख रहा, एक नदी ये ऐसे आ रही, एक नदी ये ऐसे जा रही, ये जो जा रही इसका नाम है भागीरथी, नाम सुने होंगे भागीरथी, और ये जो जा रही इसका नाम है भिलांगना, ये देखो ये भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना उत्तराखंड में एक टिहरी नामक स्थान है, वहीं पर मिलते हैं। तो टिहरी बांध है, आप जानते हो भारत के ऊंचे बांधों में गिना जाता है टिहरी बांध, कहां है, उत्तराखंड में, तो यहीं पर मिलते हैं। इसके बाद ये आगे बढ़ती है और आकर मिल जाती है किससे, ये जो इधर से आई थी अलकनंदा, कहां मिलती है, देवप्रयाग में, प्रयाग दिखा, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, चार प्रयाग हैं, और एक तो अपना प्रयागराज इलाहाबाद वाला, तो ये है। उसके बाद अब से ये बनी गंगा, ठीक है, तो यहां से बनी गंगा, समझ में आया ना,
गंगा कैसे बनी? अब इधर देखो, ये वही सारे प्रयाग हैं। इसके बाद ये गंगा जब यूपी में आती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर जिले से, यूपी के बिजनौर जिले से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और ये आगे बढ़ती है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गंगा कितने राज्यों से जाती है, तो पहले समझिएगा, एक उत्तराखंड से निकली है, दूसरा उत्तर प्रदेश में प्रवेश ही कर रही है, तीसरा आगे बढ़ के बिहार में जाएगी, चौथा झारखंड में जाएगी, पांचवा पश्चिम बंगाल में जाएगी। ठीक है, मतलब कि ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, आगे यहाँ बिहार मिलेगा, बिहार के बाद इधर झारखंड मिलेगा, फिर पश्चिम बंगाल मिलेगा, उसके बाद बांग्लादेश। तो राज्य पूछे कितने राज्य, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, पांच राज्यों से जाती है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। तीसरी बात, सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो ये है झारखंड में, याद रहेगा। अब ये बताइए, आपको क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है। नहीं बता पाएंगे, हम बता देंगे, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए, एक बार ये जानना जरूरी है आपको कि गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है। क्लियर, ये गंगा है। तो गंगा जब आगे बढ़ती है ना, तो इसकी एक सहायक यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना, दिख रहा है ना, ये जो आ रही है या यमुना है, यमुना जो है ये यहाँ लिखे हैं। अच्छा, गंगा पहले बता दें, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ये लिखा है। और लगभग इसकी लंबाई 2025 किलोमीटर तक मानी जाती है। जैसे इसकी लंबाई घटती बढ़ती रहती है, ठीक है, तो लंबाई को लेकर आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी चलती रहती है, एग्जैक्ट नाप के तो है नहीं, गड्ढा खोदा गया उसी में से जाएंगी, तो ये लंबाई इसकी घटती बढ़ती रहती है, कभी इधर हो गई, कभी उधर घुस गई, तो ये लंबाई कम ज्यादा होती रहती है। तो यहाँ पर देखो, ये इधर से आई, तो इसको पद्मा, हाँ, इसके नाम याद रखना, वो नहीं बदलते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां, जैसे कि यमुना, यमुना इधर से आई ऐसे, और आकर ये मिलती है प्रयागराज में किससे, गंगा से। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है, याद रहेगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। दूसरी बात, अब यमुना जब इससे मिल रही थी, यमुना के बारे में थोड़ा सा जान ले, यमुना बहुत प्रदूषित नदी है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे ही है, और यमुना को उसी प्रदूषण का कारण ग्रीन सूप कहा जाता है, इतनी इतनी ज्यादा प्रदूषित है, हरे रंग की दिखती है, काई बहुत ज्यादा है। और यमुना के किनारे कौन कौन से शहर, अगर मुख्यतः देखा जाए, एक तो मथुरा, कृष्ण भगवान की नगरी, आप जानते हो यमुना में उन्होंने कालिया नाग पकड़ा था और गोपियां तो यमुना में ही तो स्नान करती थी ना, जब कृष्ण भगवान जाके उनके कपड़े चुराते थे, कितना अच्छा उनका जीवन था। तो कहाँ कहाँ था यमुना, तो एक तो मथुरा में, दूसरा आगरा, आगरा यमुना नदी किनारे, जानते हो ताजमहल वगैरह, इटावा, उसके बाद हमीरपुर, प्रयागराज में यमुना आती है, ये गंगा से मिल जाती है, याद रखना, यमुना बहुत प्रदूषित है, याद रखना। और आगे बढ़ते हैं, अब यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखना, और किस तट से मिलती है, तो गंगा के दाहिने से आकर मिलती है। गंगा की कुछ और सहायक नदियां हैं, उनके बारे में देख लें, एक नदी ये देख रहे हो, ये आके यहाँ मिल रही है, दिख रहा है, दिख नहीं रहा होगा, ये देखो, ये आके यहाँ मिल रही है। इस नदी का नाम है, अगर देखें तो इस नदी का नाम है राम गंगा, फरुखाबाद में गंगा से मिलती है राम गंगा, दिख रहा है। और एक नदी ये गोमती है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है और जाकर मिलती है गोमती नदी गंगा से। इसके बाद एक नदी ये है, इसका नाम है गंडक, गंडक नदी हिमालय के तराई से निकलती है और बिहार से होते हुए आकर गंगा में मिलती है, कहाँ पर, सोनपुर बिहार में, सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा मेला भी लगता है, आप जानते होंगे। और यहाँ पर देखो एक नदी है कोसी, कोसी निकल आती है बिहार के तराई क्षेत्र से और आकर मिलती है किसमें, गंगा में, और ये भागलपुर में गंगा में मिल जाती है, कौन, कोसी। कोसी की वजह से बिहार में बहुत बाढ़ आता था, आज भी अब कम आता है, उसमें बांध बना दिए गए हैं, तो कोसी की वजह से बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी, इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, जिस नदी की वजह से कहीं परेशानी हो उसको वहां का शोक कहते हैं, इसको याद रखिएगा, तो कोसी को यहाँ का शोक कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक। अब देखो इसके बारे में, जो यमुना आई है इसकी सहायक है गंगा की, गंगा में यमुना मिलती है प्रयागराज में, इतना तो पता है आपको। अब यमुना की भी कुछ सहायक होंगी ना, तो देखो नदियों की लंबाई लेकर आप परेशान मत होइएगा, नदियों की लंबाई से क्वेश्चन नहीं आते, और आपका मन करे तो एक लिस्ट निकालिएगा आप, अगर लूसन भी रखोगे तो उसमें होगा, नदियों की विशेषताओं से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से निकली हैं, क्या विशेषता है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, लंबाई से नहीं आती, क्योंकि बनाने वाला भी जानता है कि नदियाँ एक पत्थर की लकीर नहीं है जो मिट जाएंगी, वो मिट्टी को काटते हुए घूमते घूमते चलती हैं, तो कभी कम कभी ज़्यादा उनकी लंबाई घटती बढ़ती रहती है, एक औसत लोग जानते रहते हैं कि हाँ लगभग इतनी बड़ी होगी, इसे उसकी लंबाई को लेकर कभी परेशान मत होना। अब यमुना की एक सहायक नदी है चंबल नदी, ये दिख रहे हो, ये चंबल मालवा से निकला है, मालवा क्षेत्र से, और कोटा से होते हुए, चंबल राजस्थान के कोटा से, यहाँ कोटा है, कोटा चंबल नदी किनारे है,
कोटा से होते हुए जाकर यमुना में मिलती है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला जानते हो ना, इटावा में जाकर किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। कौन? चंबल। तो चंबल किसकी सहायक है? यमुना की। चंबल के बीहड़ों में ही पहले कौन रहते थे? डाकू रहते थे। अब चंबल के डाकू आए हुए हैं, चंबल यही है, ठीक है। उसके बीहड़, बीहड़ बड़े खतरनाक बीहड़ होते हैं। वहां पर जब कोई लोग, कुछ लोग किसी को मार देते थे, गुंडागर्दी कर लेते थे ना, तो खानदान को मार के चंबल में घुस जाते थे। आपको याद होगा बैंडेड क्वीन, जबलपुर के शायद आसपास की बात है, उसने कई लोगों को मार दिया था, एक लड़की थी, और उसके बाद चंबल भाग गई थी। चलो कोई बात नहीं, मूवियाँ बहुत बनी है चंबल के डाकुओं पर, तो याद रखना। और इसकी जो सहायक नदियाँ उनके नाम सुन लीजिए, बनास है, बानस है, और बानस है, बनास नहीं, बानस है, पार्वती है, काली है, इसकी सहायक नदियाँ याद रखना। हो गया, ये पता चल गया। इसके अलावा ये चंबल की सहायक है, और चंबल किसी सहायक है, यमुना की सहायक है। यमुना की कुछ और सहायक नदियाँ, एक नदी और है, बेतवा। बेतवा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बेतवा नदी चंबल की सॉरी यमुना की सहायक है, और कहाँ से? भोपाल से निकलकर जाकर किससे मिलती है, किससे मिलती है? हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश सॉरी हमीरपुर में, यूपी के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। हमीरपुर जहाँ मिल रही है, हमीरपुर है। उसके अलावा एक नदी है केन नदी, केन नदी भी जाकर यमुना में मिलती है। केन नदी विंध्य पर्वत के उत्तर से निकलती है, जाकर यमुना में मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक नदी और है, सोन नदी। सोन यमुना में नहीं मिलती, सोन देखो यहाँ से निकली है, सोन यमुना में नहीं मिलती, सोन आकर मिलती है गंगा में। तो सोन के बारे में यहीं कहीं लिखा होगा, तो सोन जो है आकर मिलती है गंगा में। और सोन नदी के बारे में बता दूं, थोड़ा सा याद रखना, ये जो सोन नदी है ये यहीं से अमरकंटक जो मैकाल वाला पहाड़ था आपको याद होगा, वहीं से निकली है और जाकर मिलती है गंगा में। उसी मैकाल के क्षेत्र से, अमरकंटक से ही निकली थी कौन? नर्मदा नदी। अगर आपको याद होगा तो नर्मदा नदी जस्ट सीधा उल्टा आती थी और सोन यहाँ से इधर जाती थी। एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि वो कौन सी दो नदियाँ एकदम विपरीत जाती हैं, एक ही जगह से निकल के विपरीत दिशाओं में निकल जाती हैं, तो कौन कौन सी हैं? सोन और नर्मदा। पेपर में आता है, इसको याद रखिएगा, सोन और नर्मदा एक ही जगह से निकलकर विपरीत दिशाओं में जाती हैं। ये याद रखिएगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये तो था गंगा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। गंगा को कई नामों से जानते हैं, पहले समझ लीजिएगा। यहाँ तक तो यहाँ जब जब से बनी तब तो उसके बाद तो पीछे का नहीं याद करना है, उसके पहले उसके बाद गंगा बोलते हैं। गंगा जब आगे बढ़ती है, बिहार से आगे बढ़ती है, तो ये पश्चिम बंगाल में, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो दक्षिण वाले भाग में हुगली नदी के बारे में, तो हुगली नदी में पानी, हुगली नदी के किनारे कलकत्ता बंदरगाह है, कलकत्ता बसा हुआ है, उसमें पानी कम हो जाता है, उसमें पानी छोड़ने के लिए गंगा नदी पर एक बांध बनाया गया, फरक्का बांध, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से ही हुगली में पानी छोड़ा जाता है। तो फरक्का नामक स्थान पर जहाँ से हुगली में पानी छोड़ा जाता है, वहाँ से गंगा जब आगे बढ़ती है, तो वहाँ गंगा का नाम भागीरथी कुछ समय के लिए पुकारा जाता है। मतलब इधर गंगा है, फरक्का बैराज के बाद वो क्या बोली जाएगी? भागीरथी बोली जाएगी। उसके बाद जैसे ही गंगा बांग्लादेश में इंटर करेगी, इसका नाम पद्मा हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोलते हैं। और आगे बढ़ेगी तो एक इधर उत्तर, इधर त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्र से एक नदी आती है, मेघना नदी, वो आकर मिलती है गंगा से। तो उसके बाद गंगा का नाम क्या हो जाएगा? मेघना नदी हो जाएगा। और इधर ऊपर से ब्रह्मपुत्रा भी आकर मिलती है, ठीक है। तो गंगा के कई नाम है, सुन लीजिए, पहला गंगा है, दूसरा भागीरथी, तीसरा पद्मा, उसके बाद मेघना। गंगा, भागीरथी, पद्मा, मेघना, गंगा, भागीरथी, पद्मा, मेघना, गंगा, भागीरथी, पद्मा, मेघना, याद रह जाएगा ना। दूसरी बात, गंगा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? यूपी में है। सबसे कम लंबाई कहाँ है? झारखंड में है, याद रहेगा। गंगा पांच राज्यों से जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और एक क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है, बताइएगा जरूर, ठीक है। ये गंगा के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, इसको याद रखिएगा। इसको हमने सहायक नदियां बता दिया, अब कुछ चीजें और बता दें, उसको याद रखिएगा। अब ये उत्तर भारत कुछ नदियां हैं, इसको देख लीजिएगा। उत्तर भारत में सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत के जीमा युंगडुंग ग्लेशियर, राकसताल झील के आसपास बहुत बड़ा ग्लेशियर है, वहीं से निकलती है और ये आगे बढ़ती है और आती है कहाँ? ये लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान निकल जाती है, पाकिस्तान से यहाँ नीचे आ जाती है, अरब सागर में गिर जाती है, याद रहेगा। सिंधु नदी, तो सिंधु नदी की कुछ सहायक हैं, एक तो इधर से आती है, उसका नाम है काबुल नदी। ये आती है, सिंधु नदी की सहायक नदी है काबुल नदी, अफगानिस्तान से आती है और मिल जाती है किससे? सिंधु में, ठीक है। तो ये किसकी सहायक है? सिंधु की और भी सहायक है, एक तो है झेलम नदी। झेलम नदी आपको याद होगा, झेलम नदी वुलर झील है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में जो वुलर झील है वहीं से निकलती है झेलम नदी और आकर मिलती है किससे? चेनाब नदी में। तो याद रखना, झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बुलर झील से निकलकर आकर मिल जाएगी किसमें? चेनाब नदी में। चेनाब नदी बाद में जाकर मिलेगी सिंधु में, तो पहले चेनाब के बारे में समझ लेते हैं। ये जो चेनाब नदी है, ये सिंधु की जो जितनी सहायक नदियां हैं उसमें सबसे बड़ी चेनाब है। सिंधु को छोड़कर उसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें सबसे बड़ी चेनाब है। पेपर में पीसीएस में आया, इसलिए याद रखिएगा। अब चेनाब नदी ये वाली है, ध्यान रखिएगा। चेनाब के बारे में आपको बताता हूँ, ये चेनाब है।
जनाब हिमाचल प्रदेश के बाणालाचा, बाणालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, उसी के पास से निकली है बाणालाचा से। और इसकी दो सहायक नदियां हैं चंद्रा और भागा। इसकी चिनाब की दो सहायक नदियां हैं चंद्रा और भागा, बाणालाचा दर्रा के पास से निकली है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और चेनाब सिंधु की सहायकों में सबसे लंबी नदी है, पेपर में आ चुका है। और झेलम भी अगर चेनाब में ही मिलेगी, ये झेलम है, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये झेलम है, आके मिलेगी यहाँ पर, ये चेनाब निकली है, दिख रहा है, ये चेनाब आई है। तो झेलम भी आकर चेनाब में मिलेगी, ठीक है। यहाँ से जितनी नदियाँ निकलेंगी सब चेनाब में मिलेंगी, ठीक है। तो पहले तो ये कि चेनाब का पुराना नाम क्या है, अस्किनी है। अगर इतिहास पढ़े हो तो पता होगा चेनाब का पुराना नाम अस्किनी है। और ये निकलती कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के बाणालाचा से। दूसरा एक रावी नदी है, रावी का पुराना नाम परोसड़ी है, ठीक है। ये भी हिमाचल प्रदेश से कुल्लू की पहाड़ियों से, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में एक घूमने वाला पर्यटन स्थल है। कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती है कौन, रावी नदी, ठीक है। ये भी आकर किस में मिल जाएगी, ये देखो ये रावी है, ये आकर मिलेगी चेनाब में। उसके बाद एक नदी और है, उसका नाम है ब्यास नदी। ब्यास का पुराना नाम है बिपाशा, का तो नाम सुने होगे ना, बिपाशा है। तो बिपाशा हिमाचल प्रदेश के, सॉरी ब्यास हिमाचल प्रदेश के मनाली से निकलती है और हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। ये जो सतलज नदी है ऐसे आई हुई है, तो हरिके नामक स्थान पर ये ब्यास आकर मिल जाती है, किससे, सतलज से मिल जाती है। तो इस तरह से इतनी नदियां हैं। तो अब जितना पढ़ रहे हो, अब सिंधु एक ऊपर से गई है और झेलम को अगर छोड़ दें तो चिनाब, रावी, ब्यास, ये तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। सिंधु को, सिंधु तो बाहर से आई, इधर तिब्बत के क्षेत्र से आई है, झेलम श्रीनगर से आई है, बाकी चिनाब, रावी, ब्यास ये तीनों हिमाचल प्रदेश की हैं। उसके बाद जो सतलज नदी है, ये सतलज जो नदी है ये तिब्बत से आई है, ठीक है। और तिब्बत से आई है, इसी में ब्यास मिलती है कहाँ, पंजाब में। और यहीं पर एक बांध बनाया गया है, हरिके बांध, हरिके बैराज। और वहीं से एक हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई, ये इसी से राजस्थान में, राजस्थान में भारत का मरुस्थल है ना, थार मरुस्थल, तो थार मरुस्थल में इसी से सिंचाई होती है। क्या याद रह जाएगा, काफी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुनेंगे तो सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से राजस्थान में, जैसे गंगानगर हुआ, तिथा के क्षेत्र में थार मरुस्थल में सिंचाई होती है। तो नदियाँ याद रहेगा ना, याद रखना। और ये सतलज भी जो इधर से बाहर से आई है, ये भी आकर मिल जाती है किससे, चेनाब में, चेनाब आकर मिल जाएगी किससे, सिंधु से। तो देखा जाए तो कौन कौन सी नदियाँ बाहर, एक सिंधु बाहर से आई है, एक सतलज बाहर से आई है, बाकी सब अंदर की हैं, याद रहेगा, इतना याद रखना, ठीक है। और सतलज का पुराना नाम क्या है, सतुद्री है, राकस्ताल झील से निकली है, इसको याद रखिएगा। तो ये तो हुआ मोटा मोटा फैक्ट, ठीक है। अब कुछ चीजें और हैं जो कि यहाँ पर बताया नहीं, मैं उसको बता दूंगा आपको। ये जो दिख रहा है इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटा दूं तब आपको समझ में आएगा। एक नदी और रह गई, उसको भी देख लेते हैं और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको देखिए, यहां से देख रहे हो ना, यही चेमायंग डुंग ग्लेशियर के आसपास से, जहां से सिंधु निकल के इधर गई थी, जहां सतलज निकल के इधर गई थी, यहीं से एक नदी और भी निकली, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इधर से ऐसे निकलती है और ऐसे आती है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और असम में जाकर इधर बगल से निकल के आती है और मिल जाती है किससे, गंगा में, ठीक है। ये गंगा में यहाँ मिल जाती है, दिख रहा है, लेकिन याद रखना मेघालय में नहीं जाती है, इसको याद रखिएगा। एक बार पेपर में आ चुका है, क्योंकि लोगों को लगता है इसे सीधे आ रही थी, मेघालय में घुस जाएगी, मेघालय में नहीं जाती, ये याद रहेगा। दूसरी बात ये आपको याद रखना है कि ये जब इधर से आ रही थी, इसके कई नाम है। पहली बात तो याद रखिएगा, इधर इससे तिब्बत वाले क्षेत्र में बोलते हैं सांगपो, सांगपो, याद रहेगा। इसके बाद जब ये यहाँ से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहीं एक गार्ज बना, गार्ज गड्ढा, जहाँ से नदियाँ अंदर प्रवेश करती, क्योंकि हिमालय यहीं से मुड़ा है, आपको बताए थे, और नीचे गया था, उसको बोला गया था पराकानियोमा, तो यहीं से गड्ढा बना है, गार्ज, घाटी जिसे बोलते हैं। तो घाटी से, जिस घाटी से प्रवेश करती है, उसको बोला गया दिहांग, दिहांग या देहांग मिलता है। तो दिहांग घाटी से प्रवेश करती है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम जानते हैं, दिहांग नदी, ठीक है। इधर किस, क्या बोलते थे, सांगपो, इधर दिहांग। इसके बाद जैसे ही ये असम में आती है, असम वाला क्षेत्र, ये असम में आती है, असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। मेन नाम जो हम जानते हैं, वो जो उसको आप पहचानते हो, वो नाम है ब्रह्मपुत्र, जो कि असम में बोली जाती है, ठीक है। तो इसको मिटा के मैं बनाना चाहूंगा साफ साफ, तो दिखेगा आपको, ये ऐसे आई है, ये यहां पर इसको असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब द्वीप क्या होते हैं, कि जो पानी में उभरा हुआ क्षेत्र, जिसके चारों तरफ पानी हो, उसे द्वीप बोलते हैं। तो समुद्रों में होता है सब, लेकिन अगर नदियों में उभर जाए तो नदी द्वीप बोलते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन बनाती है, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर ना ऐसी, ये इधर कट गई है, इधर कट गई है, तो ऐसे यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे उभर गया है, इसे बोलते हैं माजुली, माजुली, माजुली नदी द्वीप जो है असम में है। और किससे बना है, किस नदी पे बना है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। नदी के बीच में स्थल वाला कुछ क्षेत्र निकल गया, जिसमें लोग भी रह सकते हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है, उसे बोला गया है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप। कहाँ है, असम में है, किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, याद रहेगा। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है लोहित नदी, याद रखना।
और ये ब्रह्मपुत्र आती है इधर से इंटर करती है, जैसे बांग्लादेश में इंटर करती है बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। तो बांग्लादेश में इसे किस नाम जानते हैं? जमुना। इसके भी कई नाम हो गए, याद रखना, सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। कितने नाम है? सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, चार नाम है। गंगा कितने नाम थे? गंगा, भागीरथी, उसके बाद पद्मा, उसके बाद मेघना, ठीक है, उसके भी चार नाम थे, इसके भी चार, तो दोनों बराबर में हैं, इसलिए दोनों आकर मिल जाते हैं। जब आकर मिलेंगे तो विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, क्या नाम है उसका? सुंदरबन डेल्टा। कौन बनाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, मेघना मिल जाती है ये, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बांग्लादेश में और बंगाल के क्षेत्र में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि वहां पर सुंदरी नामक वृक्ष, सुंदरी लड़की लड़कियों के को नहीं बोला जाता, वृक्षों को भी सुंदरी बोलते हैं, तो सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा, ठीक है। और यहाँ के वृक्षों से नाव बनाई जाती है, क्योंकि ये कीचड़ में होते हैं ना ये वृक्ष, तो हमेशा बहुत मजबूत होते हैं, जल्दी सड़ते नहीं है। और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, बड़ा खतरनाक खूंखार, ठीक, याद रखना। और एक नदी है ये, यहां से निकली, इसका नाम है तीस्ता। सिक्किम के, यहाँ लिखा देखो, सिक्किम के डोंकिया दर्रे से निकलती है तीस्ता, और किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र। बड़ी धोखेबाज है, धोखेबाज क्यों? अगर कोई किसी को धोखा देगा तो धोखेबाज हो जाता है ना, तकलीफ होती है। आप किसी पे बहुत भरोसा रखो और वो आपके पीठ पीछे कुछ और करे तो धोखा होता है, अंदर से तकलीफ भी होती है। झेले हो गए सब लोग, इधर देखो ये क्या, गंगा बहुत झेल रही है, अपनी गंगा, अपनी प्यारी गंगा, जो सबके पाप ऐसे फ्री में धुल देती, कुछ पैसा नहीं लेती है। आप जाओ जिंदगी भर कुछ भी किए रहो, बस एक बार डुबकी लगाओ, एक बार डुबकी लगाओ, जितने पाप किए हो सब धुल गया, ठीक है, इतनी पवित्र नदी है। अब गंगा इधर से जा रही थी, बहुत साल पहले, लगभग 1780 के आसपास की बात है, ये तीस्ता आकर गंगा से मिलती थी। गंगा और तीस्ता जबरदस्त सहेलियां थी, बहुत प्यार मोहब्बत था दोनों में, चला आ रहा था रिश्ता, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या झगड़ा हो गया, पता नहीं कहां से धोखेबाजी हुई, ये तीस्ता इन गंगा को छोड़ के मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से। तो आज ये तीस्ता किसके साथ घूम रही है? गुलछर्रे उड़ा रही है, मजे ले रही है, किसके साथ? ब्रह्मपुत्र के साथ। पहले किसके साथ रहती थी? गंगा के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया था, ठीक है, तो बहुत सारे टीचरों ने ये कहा ये ऐसा नहीं हो सकता, जबकि ऐसा ही हुआ था, ठीक है, याद रखना। देखो नदियां अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात हैं, उसमें सबसे ज्यादा विख्यात है कोसी नदी। कोसी नदी ने एक बार लगभग 180, मान चलो कि लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता बदल लिया। अब आपके घर से इलाहाबाद 200 होगा, उससे कम ही होगा। अब गंगा नदी इलाहाबाद से रास्ता बदलकर आपके घर को डुबोते हुए निकल जाए तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि आपका रास्ता उधर इधर क्यों आ रही हो? पूछोगे ना, आपका घर बह जाएगा भाई, आपका पूरा खेत डूब जाएगा, सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। आप रात में सोए हो आराम से, सुबह उठ के देखे तो नीचे नावें बह रही है, आपका कॉपी किताब वहां चला जा रहा है, बैग भी चला जा रहा है, तो ऐसा हो जाता है। तो नदियां इसके लिए बहुत विख्यात है, कुख्यात है, खास करके तो कोसी। और यहाँ पर इसने भी धोखेबाजी कर ली, कौन? तीस्ता, याद रहेगा ना। ये तो था मोटी मोटी नदियां, मैंने कवर करवा दिया, इनको याद रखना, इनसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जस्ट इसके बाद मुझे इकोनॉमी कवर कराना है, हिस्ट्री कवर करवाना है, ताकि आप पेट के लायक एकदम बन जाओ और अच्छा सा नंबर लेकर आओ, ताकि आप वीडियो का फॉर्म है या फिर लेखपाल का फॉर्म है तो आप छटो ना वहां से, ठीक है, कर पाओ, ठीक। और थोड़ा सा इतना कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी कर दिया करो, लोगों के पास शेयर कर दिया करो, कम से कम लोग जाने तो इसके बारे में, इतना तो आप कर ही सकते हो। और लाइक तो करते नहीं हो, पसंद करते हो वीडियो तब भी लाइक नहीं करते हो, लाइक तो कर दिया करो।